गाइस आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि गाइस मैंने अपने पुलिस स्टेशन के अंदर गाइस पुलिस को ले लिया। जैसे गाइस भाई मैं पुलिस के ऊपर फायर करता हूँ तो गाइस मेरे ऊपर भाई पुलिस फायर करने लगती है। गाइस मैंने इंडियन बैक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर भाई न्यू फोन को भी ले लिया। गाइस हमारे गेम के अंदर भाई न्यू फोन काफी औसम भी लग रहा है। मैं आप लोग को न्यू फोन के अंदर भाई किसी भी चीज का चिटकोड़ में डायल कर बता देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर भाई जैसे भी का चिटकोड़ में डायल किया तो गाइस मेरे गेम के अंदर भाई जैसे भी स्पॉन हो गया। बोल रहे थे कि हमें गेम के अंदर अभी तक भी राम मंदिर का चिटकोड़ में नहीं पता, लेकिन फाइनली गाइस आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि गाइस मैंने राम मंदिर को चिटकोड़ की मदद से स्पॉन कर लिया। गाइस मैंने अपने पुलिस स्टेशन के अंदर गाइस एनपीसी को भी ले लिया। जैसे गाइस भाई मैं एनपीसी के ऊपर भी फायर करता हूँ तो गाइस फिर से भाई मेरे ऊपर पुलिस फायर करने लगता है। पुलिस से फायर करने में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। जब अपने गेम के अंदर इन सभी को नहीं लिया मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि गाइस आप भी अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर इन सभी को कैसे ले सकते हो। काफी डैमेजिंग की तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। समय गेम के अंदर इन सभी का चिटकोड में लेने के लिए एक मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा और यह चेक करें कि गाइस समय मिशन मिल चुका है। हमारा मिशन ये कि टॉप 5 ग्लिच इन इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D। मुझे आप लोग को अपने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर टॉप 5 ग्लिच के बारे में बताना है। जैसे गाइस मैं आप लोग को अपने गेम के अंदर टॉप 5 ग्लिच बता देता हूँ। जो हमारा मिशन गाइस हो जाएगा कम्प्लीट एंड उसके बाद गाइस हमें मिल जाएगा भाई पुलिस का चिटकोड, राम मंदिर का चिटकोड, अपने न्यू फोन का चिटकोड। आप लोग अपने पुलिस स्टेशन के अंदर गाइस कैदी को भी बहुत आसानी से ले सकते हो। आगे चलते हैं मिशन को करते हैं कम्प्लीट। तो गाइस आप लोग को पहले ग्लिच को ट्राई करने के लिए सबसे पहले रेलवे स्टेशन के ऊपर आ जाना है। आने के बाद सिंपली गाइस सब आप लोग को यहाँ पर भाई एक एरोप्लेन को स्पॉन कर लेना, लेकिन गाइस आप लोग को इसके ऊपर चढ़ जाना है। फिर आप लोग को यहाँ पर भाई एक एरोप्लेन को स्पॉन करना है। हमारे गेम के अंदर एरोप्लेन का चिटकोड नंबर 3x5 है। जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर 3x5 चिटकोड नंबर को डायल करोगे तो गाइस आपके सामने एरोप्लेन स्पॉन हो जाएगा। एरोप्लेन को स्पॉन होने के बाद सिंपली गाइस सब आप लोग को इसके ऊपर भाई हेलीकॉप्टर को भी स्पॉन करना है। अपने गेम के अंदर एरोप्लेन के ऊपर भाई हेलीकॉप्टर को स्पॉन कर लेना। गाइस सब आप लोग को यहाँ पर देखना है कि गाइस आप लोग को दोनों के अंदर बैठने के बटन एक साथ मिले। भाई दोनों के बटन एक साथ मिल चुके हैं। जैसे गाइस भाई मैं क्लिक करता हूँ तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पर देखना कि गाइस बहुत ही तगड़ा वाला ग्लिच होने वाला है। गाइस आप लोग हेलीकॉप्टर को ड्राइव करोगे तो गाइस जो प्लेन है ना गाइस ये हेलीकॉप्टर के साथ ही ड्राइव करेगा। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि गाइस मैं हेलीकॉप्टर को ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन गाइस जो प्लेन है ना गाइस इसके अंदर फंस चुका है। गाइस अपना प्लेन भी इसी के साथ साथ ड्राइव हो रहा है। जो प्लेन है ना गाइस कुछ ही देर के अंदर भाई हेलीकॉप्टर से छूट जाएगा। गाइस ज्यादा देर तक हेलीकॉप्टर के साथ ड्राइव नहीं होगा। करेक्टर है ना गाइस हेलीकॉप्टर को ड्राइव नहीं कर रहा, सिंपली गाइस ये प्लेन को ड्राइव कर रहा है। इस वाली ग्लिच से भाई हेलीकॉप्टर को एंड प्लेन को दोनों को एक साथ उड़ा सकते हो। तो गाइस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाइस आप लोग इस वाली ग्लिच को जरूर ट्राई करना। सब बढ़ते हुए अपनी सेकंड ग्लिच की तरफ। तो सिंपली गाइस आप लोग को सेकंड ग्लिच को करने के लिए भाई सबसे पहले जुलासिक पार्क के अंदर आ जाना है। आपको यहाँ पर भाई किसी भी कार वगैरह को ले लेना। गाइस मैंने यहाँ पर भाई हैमर कार को ले लेना। गाइस सब आप लोग को यहाँ से भाई सीधा चलना है। आपको अपने जुलासिक पार्क के अंदर भाई ये जो जमीन सी उठी हुई दिखाई देती है, सिंपली गाइस आप लोग को इस जगह के ऊपर ही आना है। आप लोग भाई जुलासिक पार्क के गेट से सीधा चले जाते हो तो गाइस आप लोग को जुलासिक पार्क के लास्ट तक भाई ये वाली जगह मिल जाएगी। आपको यहाँ पर भाई हैमर कार को भाई कुछ इस प्रकार से लगा देना। गाइस मैंने यहाँ पर भाई हैमर कार को एकदम इसके दता कर लगा दिया है। सब आप लोग को यहाँ से भाई हैमर कार से एग्जिट कर देना। जैसे गाइस आप लोग एग्जिट करोगे तो गाइस आप लोग को फिर से भाई धक्को कर हैमर कार के अंदर ही पटक देगा। अब अपना करेक्टर खड़ा होगा तो गाइस अब अपना करेक्टर भाई आसमान से नीचे गिरेगा। गाइस आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि गाइस मेरा जो करेक्टर था ना आसमान से नीचे गिर रहा है। अगर गाइस आपने अपने गेम के अंदर भाई हेल्थ का चिटकोड नंबर एक्टिवेट नहीं किया था, करेक्टर ना गाइस जिसकी डेट हो जाएगी, लेकिन गाइस मैंने अपने गेम के अंदर भाई हेल्थ का चिटकोड नंबर एक्टिवेट कर लिया था, काफी ज्यादा फनी थी। तो गाइस आप भी अपने गेम के अंदर इस वाली ग्लिच को जरूर ट्राई करना। बढ़ते हुए अपने थर्ड ग्लिच की तरफ। तो सिंपली गाइस आप लोग को थर्ड ग्लिच को करने के लिए भाई सबसे पहले किसी भी लोकेशन के ऊपर आ जाना है। भाई मैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन के ऊपर आ चुका हूँ। गाइस सब आप लोग को यहाँ पर भाई ट्रक ट्रॉली के साथ भाई एक ट्रक को स्पॉन करना है। अपने गेम के अंदर भाई ट्रक स्पॉन करोगे ना गाइस आप लोग को उसका एकदम सीधा स्पॉन करना है। आपको यहाँ पर भाई ट्रक से थोड़ा बहुत दूर आ जाना। गाइस सब आप लोग को यहाँ पर भाई एक लैम्बोर्गिनी कार को स्पॉन करना है। आप लोग अपने गेम के अंदर भाई 4x3 चिटकोड नंबर को डायल करोगे तो गाइस आपके सामने अपना लैम्बोर्गिनी कार स्पॉन हो जाएगा। सब आप लोग को लैम्बोर्गिनी कार के अंदर भाई एंटर कर जाना। गाइस सब आप लोग को यहाँ पर भाई कार को एकदम भगा कर लेकर चलना है। आपको ध्यान देना है कि गाइस जहाँ से भाई मैं ट्रक ट्रॉली के नीचे से भाई अपनी कार को निकल रहा हूँ, गाइस आप लोग को भी वहीं से अपनी कार को निकालना है। तो गाइस आपकी कार बहुत इजीली निकल जाएगी। वाली ग्लिच को भी गाइस अपने गेम के अंदर जरूर ट्राई करना। गाइस ये वाली ग्लिच भी बहुत ही ज्यादा फनी है। गाइस अब बढ़ते हुए अपने चौथे ग्लिच की तरफ। तो सिंपली गाइस आप लोग को चौथे ग्लिच को करने के लिए भाई किसी भी लोकेशन के ऊपर आ जाना है। आप लोग को यहाँ पर भाई स्काई फ्लिप का चिटकोड नंबर डायल करना है, लेकिन गाइस जैसे भाई मैं डायल कर रहा हूँ गाइस आप लोग को भी इसी प्रकार से डायल करना है। स्काई फ्लिप का चिटकोड नंबर डायल कर देना। गाइस आप लोग को गेम को भाई स्लो मोशन में कर देना है। फिर से गाइस आप लोग को स्काई फ्लिप का चिटकोड नंबर डायल करना है। देख ही सकते हो कि गाइस मैंने अपने गेम के अंदर भाई 3 बार स्काई फ्लिप का चिटकोड नंबर डायल कर दिया। तो गाइस जो अपना करेक्टर था ना गाइस ये बहुत ही ज्यादा ऊपर से गिरता है। मैंने अपने गेम के अंदर 3 बार स्काई फ्लू का चिटकोड नंबर डायल कर दिया। तो गाइस जो अपना करेक्टर ना गाइस ये तिगनी ऊंचाई से भाई नीचे गिरता है। मैंने गेम के अंदर भाई 3 बार स्काई फ्लू का चिटकोड नंबर डायल कर रहा। गाइस आप लोग चाहो तो अपने गेम के अंदर भाई 4 या 5 बार भी डायल कर सकते हो। वाली ग्लिच भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो गाइस आप लोग इस वाली ग्लिच को भी एक बार जरूर ट्राई करना। बढ़ते हुए अपनी 5वीं ग्लिच की तरफ। तो सिंपली गाइस आप लोग को 5वीं ग्लिच को करने के लिए भाई अपने मेगा रैंप के ऊपर आ जाना है। गाइस आप लोग को यहाँ पर भाई किसी भी कार को स्पॉन कर लेना। फाइनली गाइस आप लोग को कोई भी एक कार ले लेना है। कार को भाई पीछे की तरफ लेकर चलना है, मतलब कि गाइस आप लोग को कार को भाई
भाई पीछे की दीवार की तरफ लेकर आना है। आपको इस कार को भाई एकदम दीवार के बिल्कुल धता देना। गाइस आप लोग कैमरा एंगल को चेंज कर देखोगे तो गाइस आप लोग को उस वाली तरफ भी दीवार की थोड़ी बहुत जगह दिखाई देती है। आप लोग को कार से भाई एग्जिट कर देना। जैसे गाइस आप लोग एग्जिट करोगे तो गाइस आप लोग दीवार के भाई इस पार आ जाओगे। आप लोग थोड़ा बहुत पीछे जाओगे गाइस आप लोग यहाँ से नीचे नहीं गिरने वाला, सीधा गाइस आप लोग फिर से भाई कार के पास में चले जाओगे और गाइस आपके साथ भाई ये वाला गिलीच होगा। ट्रैक्टर ना गाइस के पैर वगैरह गाइस कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। गाइस ये वाला गिलीच आप लोग को कैसे लगा गाइस इसके लिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोग को इंडियन बैक स्टार्टिंग 3D गेम के अंदर भाई 5 गिलीच बता दिया और ये चेक करके गाइस जो हमारा मिशन गाइस हो चुका है कंप्लीट। आप लोग को भी बता देता हूं कि गाइस आप भी अपने पुलिस स्टेशन के अंदर भाई पुलिस को कैसे ले सकते हो, कैदी को कैसे ले सकते हो। हमारे इंडियन बैक स्टार्टिंग 3D गेम का अपडेट देता है तो गाइस आप लोग को पुलिस स्टेशन के अंदर भाई पुलिस भी देखने के लिए मिल जाएगा, कैदी भी देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग को गेम के अंदर राम मोहन को ऐड करवाना है, न्यू फोन को ऐड करवाना है तो गाइस आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक कमेंट कर देना। मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि गाइस आप लोग को आज पसंद करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।